एलोपैथी वाले क्रूर लोग काट देते हैं और फिर वापस उसको भरने में, गांव को भरने में 6 महीने, फिर वापस हड्डी बढ़ जाती है, फिर गलत चीज होती है वो योग करने के लिए। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ॐ देव शांति अंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति धामा शांति रेधी शांति शांति शांति। पुरुषार्थ चतुष्टय ही सिद्ध हो जाए, कर्मार्थ काम मोक्षाण आरोग्य मूलम उत्तम। सामान्य गति से योग
जय जय हो। योग जब यज्ञ के साथ किया जाए, भजन प्रार्थना के साथ किया जाए, तो वो मैं आपकी शरण। पूर्ण पुरुषार्थ श्वास लेना, कल से सही 6 बजे आ जाए और ये सब कुछ करते हैं। चलो जाओ, किसी भी प्रकार की उधेड़बुन नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की अशांति अधीरता। जैसे आपको नरेंद्र मोदी जी कौन बोला, प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति का निमंत्रण आया कि आइए आप मुझसे मिलिए। अच्छा, मैं आपको बुला रहा हूँ, क्या काम है? बिल्कुल काम नहीं, आपके साथ बैठना है थोड़ी बात। आप सैकड़ों लोगों को तो बताएंगे आज मुझे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति है, चीन चाइना का, और जिनको हम ताकतवर मुल्क कहते हैं, बढ़िया बेहतरीन भी है या नहीं है, मामला गड़बड़ है। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर कितना कर्ज हो गया है, कि थोड़े दिनों के अंदर यदि नहीं संभला तो जितनी उसकी जीडीपी है उससे ज्यादा उसका खर्च गए थे, 14-15 ट्रिलियन डॉलर की उसकी जीडीपी है, तो उससे 20% ज्यादा उसका खर्च है। आप सोच नहीं सकते कितनी बुरी हालत है। रशिया जिसको ताकतवर कहते थे वो युद्धों में डूबा हुआ है, चाइना की विस्तारवादी नीतियों से पूरी दुनिया में तबाही का सुनक ने यूके को संभाला, उसकी भी अर्थव्यवस्था तबाही के कागार पर, लेकिन फिर भी कोई दुनिया का बड़ा पॉलिटिशियन, कोई बहुत धनवान आदमी जो भारत का अपने को बुलाए, बड़ा अरे तेरे प्रभुत्व जो रोज बुलाते हैं, आ मेरे प्यारे। नमस्कार मित्रों, मेरी शरण में प्रतिदिन योग और प्राणायाम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, आप सभी हमारे साथ प्रतिदिन योग और प्राणायाम सुबह का एक घंटा आप अपने मन मस्तिष्क के शांत करने के लिए एक घंटे का समय आप निकालें और प्रतिदिन योग करें। लाइव योग के माध्यम से आप सभी का स्वागत वंदन विनंदन। मयैव मनाधत्स मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न सुन्ते। प्रभु तुझे बुला रहे सर्व धर्मान परित्यज्य के, सर्व अधर्मान परित्यज्य, सर्व धर्मान सर्व कर्मान सर्व रोगान सर्व दोषान सर्व दुखान सर्व भोगान परित्यज्य। आप संस्कृत की जो गहरी गहरी सांसों के साथ शब्दार्थ संबंध की उसको तो पूरी तन्मयता से शास्त्र प्राणायाम को सत्यो करें कि जिसने अन्वेषण की है ओम का ध्यान करते उनका ईश्वर का ध्यान करते हुए भस्त्रिका प्राणायाम मध्यम गति, एक तो ये दूसरा ये प्रभु
तुझे बुला रहे प्यारे, आओ प्रभु। पतंजलि योग समिति के साथ दुनिया के आस्था चैनल लाइव के साथ दुनियादारी के नित्य प्रति आप योग प्राणायाम बहुत हमारे साथ करें। जबेले देखे स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमने तो कई बार बजरी गाया, कहा नहीं रहे अपने शरीर को मेंटेनेंस करना है तो योग प्राणायाम अवश्य करें। गुरु वचना में रही जो कबीर। इंटीग्रेटेड योग, इंटीग्रेटेड योग मतलब तो योग करें तो इतना योग और प्राणायाम के साथ हम मेरा प्रभु से मिलन होगा। यह आत्म मिलन की वेला, जब दोनों को मिला कर ये प्रभु मिलन की वेला तो है, बाकी तो सब झमेला है रे मेरे भाई। के साथ एक्सरसाइज में जब आप करेंगे सूर्य नमस्कार, शरण में आ गया उसके रोग शोक दुख दारिद्र्य सब मिट जाते। विभिन्न आसनों के साथ सब समृद्धि सौभाग्य के द्वार तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। ऐसे आनंद ये है योग के भाव से इतने इसको कहते हैं योग चेतना, आत्म चेतना, गुरु चेतना, भागवत चेतना, ये सनातन चेतना। प्रभु की शरणागत प्रभु आपके बस त्रिका ऐसे मैंने 10-20 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक जिनके लव रज सिस्टम पूरे खत्म हो गए थे उनको, अब हमारा तो ऐसे अभ्यास हो रखा है आधे घंटे तक एक घंटे तक मैं अकेला योग का अभ्यास नहीं कराता हूँ। योगिक व्यायाम, योगिक आसन, प्राणायाम, ध्यान, भजन, कीर्तन, योग, यज्ञ, जप, तप सब एक साथ चल रहे थे। मैं इसको इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस कहता हूं। कुछ कह रहे नहीं जी, शुगर कंट्रोल ही नहीं यार। मात्र एक घंटा ही भस्त्रिका कर लेना, जो कोई भी कठिन अभ्यास नहीं कर पा रहे, मंडूकासन, योग मुद्रासन, चंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पौनोत्तासन, स्थानभासन, उत्तान पादासन आदि लंबे साधना नहीं कर पा रहे, मात्र लंबे श्वास भरने से तुम्हारा मधुमेह नियंत्रण, वेट घट जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा कम से कम 10 गुना से लेके 100 गुना, और जो अपनी चेतना के सूक्ष्मतम धरातल तक पहुंच जाते हैं, सूक्ष्म जगत से जो जुड़ जाते हैं, पूरी नीरवता मौन में चले जाते हैं। चलो कपाल भात करो लेके वो तो बहुत बड़ा था, अपरा होने के साथ परा भी परात्म ब्रह्म से जोड़ने वाली लय के साथ सीधे बैठ के की। जिनको लीवर, किडनी, डायबिटीज की, लॉन्ग हार्ट की, स्किन की, कुछ पाचन तंत्र की, पाइप से सब फिस्टुला, कोलाइटिस, आईबीएस, कर तो रहे कपाल भाई।
लेकिन वो ऐसे ही पद्मासन में बैठ के, पूज्य स्वामी आर्य देव जी पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन में कपाल भाती और पूज्य स्वामी आनंद और मंडूकासन में कपाल अंतर्मुखी होकर के ये तो योग की भाव चेतना मैंने कही कि योग ऐसे दिव्य भाव चेतना के साथ ऊपर ऊपर से दिव्य भाव चेतना के साथ पूरा फलीभूत नहीं होता है तुम्हारे भीतर। इसलिए मैं कहता हूँ योग करते करते एक प्रक्रिया में पूरे गहरे उतरते हैं इंटीग्रेटेड योग के साथ हम सभी के पूरे लाइफ के माध्यम से पसीने भरकर मैंने कल कहा था सूर्य नमस्कार को अभ्यास सूर्य पसीना बहाओ करेंगे सूर्य नमस्कार गुरु भगवान की शरणागति में आओ अत्यंत और भाव के साथ सभी तरह का बैलेंस पूरी तरह ऊर्जा भरते हुए मन को पूरी तरह कंप्लीट बैलेंस कंप्लीट शांत करते हुए एकाग्र भाव से कंप्लीट सूर्य नमस्कार का अभ्यास एक्सप्रेशन कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन भाव योग में आयुर्वेद में प्रकृति में संस्कृति में सनातन जीवन पद्धति अपनाओ और मन चाह फल पाओ योग तो कल्प वृक्ष जो संकल्प करोगे और संकल्प के साथ ही विकल्प रहित संकल्प अखंड प्रचंड पुरुषार्थ आप जब करते हैं तो जो आप चाहते हैं वो आप पाते हैं। ये मेरा अनुभव है कोटि कोटि ऋषि मुनियों का अनुभव। इतना बड़ा योग तत्व होते हुए दर दर की ठोकरे खाते रहते इधर उधर धक्के खाते रहते हैं भास्कराय नमः एक दो तीन मूर्खतापूर्ण कृत्य करते पांच मंडूकासन योग मुद्रासन के साथ आठ नौ दस मन ओम भू ओम भुआ ओम सौम ओम जनः तपहूं सत्यम ओम तत्सत् हरि हरि राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो भगवते ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च प्रभु आपकी शरण आ गए उद्धार करो उद्धार करो भगवान तुम्हारी शरण पर बहुपार करो भगवान हे प्रभु बहुत रोग दुख दरिद्रता नैराश्य चारों तरफ अंधियारे हैं संघर्ष है चुनौती बार बार इस बात की ओर ध्यान दिलाता हूँ योग नहीं किया तो इतने सूक्ष्म बैक्टीरिया वायरस फंगस हजारों लाखों करोड़ों खरबों अनंत अनंत बैक्टीरिया का वायरस का कात लगाए बैठे रहो योग नहीं किया
का वही तरेगा, नहीं तो मरेगा रे मेरे भाई। कर ले और तर ले। लोग विकार का हाथ लगाए बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कौन लगाए पार गुरु बिन, कौन लगाए बड़ा विकट यह घाट। चारों तरफ संकट है। इसलिए योग का ठीक से मंडूका से योग मुद्रा से अर्धमत्तिंद्रासन वक्रासन जिनसे कोई कठिन आसन नहीं होता, तो बैठे बैठे ही करो और इस भगवान में पूरी तरह से खो जाओ। तुम आपसे कह रहा था कितनी महिमा है योग से, सब कुछ मिलता है। योग विकल्प वृक्ष है, संकल्प करते हुए जो करो। और ये मैंने पाया है, और मैंने ये योग का प्रयोग लाखों ने करोड़ों लोगों पर किया, योग का प्रयोग किया, उसके जो परिणाम आया, जो प्रमाण बन गया सर्वासन का अभ्यास, लाइव एग्जांपल्स, लाइव एक्सपीरियंस, सभी पूरी तन्मयता के साथ रियल वर्ल्ड एविडेंस। वी हैव रियल वर्ल्ड एविडेंस, पहले दान वी हैव साइंटिफिक एविडेंस, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस, देन आई हैव कॉन्फिडेंस। और ये कॉन्फिडेंस से जब मैं कहता हूँ तुम सब रोग मिटा दो, तुम्हारे सारे रोग मिटेंगे, सारे विकार मिटेंगे, और तुम्हें तुम्हारा पूर्ण सत्व मिलेगा, पूर्ण निजता तुम्हारी मिलेगी, पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, कंप्लीट इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल, नॉट ओनली फिजिकल, फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल ऑल टाइप हेल्थ अच्छी उठे, सब कुछ मिलेगा मेरे प्यारे भाई। हेल्थ, वेल्थ मिलेगी, पीस, नॉट ओनली पीस, इटर्नल पीस, सस्टेनेबल पीस, समग्र स्थाई सुख, शांति, आनंद, जॉय, सब कुछ मिलेगा। जीवन का निर्माण और निर्माण, और जीवन इतना सुंदर होगा। तो भजन सा गाते, जिसने इतनी सुंदर सृष्टि बनाई वो कितना सुंदर होगा। उस प्रभु के चरणों में आके तो देख, योग को अपना के देख, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्सिंद्रासन, वक्रासन, गौमुखासन के साथ कर, तो फिर ये दुनिया की छुटपुट चीजों में लगा है ना, ये तेरे सारे आकर्षण, ये सारी उधेड़ बुन, ये सारे छोटे छोटे पड़ाव मन, छोटी छोटी कामनाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, सबसे तू पार। मैं सोच रहा था धन की क्या महिमा है, धन का क्या लाभ, जिसके लिए 18-18 घंटे दिन का चैन, रातों की नींद लोग, अरे दिन रात उसी में पागलों की तरह लगे पड़े। धन की ये महिमा है, उससे मन चाहा भवन, भूमि, वस्तु, पदार्थ, खाने पीने की चीजें, कपड़े, जूते, चप्पल, जो भी है, मोबाइल, गाड़ी घोड़ा, धन की ये महिमा है कि उसे मन चाहा पदार्थ आप खरीद सकते हैं, राजनीति की महिमा ये है कि उससे आप कुछ माइनर चेंज कर सकते हैं पॉलिसीज में,
हेल्थ एजुकेशन के एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की नेशनल इंटरनेशनल जो पॉलिसीज हैं उसमें आप माइनर चेंज कर सकते हैं, देश की रिसोर्सेज को अच्छी दिशा में लगा सकते। जिन मजहब पंथों के पीछे दुनिया में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई कहते हैं इस्लाम को अपनाओ, सारी दुनिया को इस्लाम में तब्दील कर दो, कोई कहता है ईसाइयत में तब्दील कर दो, कोई कहता है ये सब मजहब की अफीम पिला रखी है दुनिया, हम इस दुनिया को ठीक करेंगे, हम कम्युनिज्म में तब्दील हो जाओ, लेनिन मार्क्स माओ को अपनाओ, कोई कहता है पूंजीवाद को अपनाओ, कोई कहता है साम्यवाद को अपनाओ। ये पंथ है, ये पूंजीवाद एक पंथ है, साम्यवाद एक पंथ है, और वो भी सपना दिखाते हैं जिससे तुम बड़े सुखी हो जाओगे, कुछ कुछ अच्छी बातें बताते हैं, जो भी है। खेत और खेती की महिमा यह है कि उसमें जो बीज डालते हैं उससे अच्छे से पदार्थ हो जाकर के आप जिंदगी को जी सकते। शादी ब्याह की महिमा यह है कि उससे आप अपना वंश बढ़ा सकते हो, एक अच्छा जीवन साथी चुन सकते हो। जिस संन्यास को हमने अपनाया हुआ उसकी महिमा यह है, गृहस्थ होकर के अपना वंश बढ़ा सकते हो और सन्यासी होकर के सारे संसार का वंश बचा सकते हो और सारी दुनिया को उजड़ने से बचा सकते हो। गृहस्थी बनोगे तो एक को अपना जीवन साथी बना सकते हो और कई बार तो वो भी धोखा दे देते हैं, इतने बड़े धोखे के गीत गाए जाते हैं। सन्यासी सारे संसार को अपना हम सफर बना लेता है और ना किसी से धोखा खाता है ना किसी को धोखा देता है। और योग की महिमा क्या है? योग की महिमा ये है वो आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता हो जाता है, वो इस दुनिया का जो मालिक है वो परमपिता परमेश्वर उसको पाले और उसको पा लिया है। बाकी ये रोग मिटाना ये तो बहुत साधारण सी घटना, लोग तो इसी में बावले हो रखे, अरे योग करेंगे तो ये रोग मिट जाएगा, ये शोक मिट जाएगा, ये दुख मिट जाएगा। और योग से क्या होता है इसका एक उदाहरण तो मैं आपके सामने बैठा हूं। योग से क्या होता है, आयुर्वेद से क्या होता है, प्रकृति संस्कृति के स्वदेशी के सनातन के मार्ग पर चलने से क्या होता है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं पूज्याचार्य बालकृष्ण जी। ये पूरा पतंजलि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है कि आओ योग का सनातन का मार्ग अपनाओ। और इससे क्या होता है ये अपने आंखों से देख लो, ये तो लाइव दिख रहा है, ये कोई सपना और कल्पना नहीं। मंडूकासन किया तुमने, योग मुद्रासन। अब जो मोटे मोटे हैं वो ऐसे करो, ये तो हमारे बालक मोटे नहीं है फिर भी करवा रहे हैं। आप तो चक्की आसन करो जी, आर्य देव जी, और आनंद देव जी आप चतुर्कोणासन करो। मैं थोड़ा थोड़ा सब कर लेता हूं क्योंकि मुझे सबका ख्याल रखना पड़ता है और सबका ख्याल रखने में मेरा अपना आप ही ख्याल हो जाता है। जो सबका ख्याल रखते हैं उसका ख्याल भगवान रखते हैं। करते रहो, इसमें भस्त्रिका भी हो रहा है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे करते ऐसे, अरे राम अरे झुका ही नहीं जा रहा, जब टूट फूट गए कबाड़ा कर रखा है तुमने जिंदगी का, बखेड़ा कर रखा है, तेरी सारी उलझन सुलझ जाएंगी, कर ले। बच्चों से भुजंगासन करवाया करो 100 बार, सूर्य नमस्कार करवाया करो 10-20 बार, दंड बैठक लगवाया करो, ऐसे बस।
भस्त्री का कपाल भाति हो रहा है। मैं एक साथ सैकड़ों सात्विक तत्वों को लेकर के जाता हूं, इसलिए मेरा एक बात प्रिय शब्द है शत सहस्त्र। योगासन भी चल रहा है, प्राणायाम भी चल रहा है, ध्यान भी चल रहा है, भजन भी चल रहा है, साथ में यज्ञ भी चल रहा है, कीर्तन भी चल रहा है, जप तप भी चल रहा है, तपस्वाध्यायी स्वप्नदानानि क्रिया योग, क्रिया योग चल रहा है, क्रिया योग सिद्ध हो रहा है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि अहिंसा सत्य सत्य ब्रह्मचर्य यम शौच संतोष तपस्वाध्यायी स्वप्नदानानि नियम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि संयम प्रत्यारोप सब सिद्ध हो रहे, क्रिया योग अष्टांग योग और योग की विभूतियां फिर मिलती हैं, सिद्धियां मिलती हैं, शक्तियां मिलती हैं। कैवल्य योग प्रतिप्रसव योग सिद्ध हो रहा है, समाधि योग सिद्ध हो रहा है, सब समाधान मिल रहा है, ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग हठ योग लय योग मंत्र योग कुंडलिनी योग सब सिद्ध हो रहा है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर शुद्ध हो रहा है, अर्थ सिद्ध हो रहा है, शुद्धिकरण सशक्तिकरण करते रहो, शुद्धिकरण हो रहा है, आत्म जागरण हो रहा है, लय के साथ करो, योगमय यज्ञमय जीवन बनाओ, योग को यज्ञ को अपनाते हैं भैया, योग यज्ञ आयुर्वेद की जीवन दायिनी जड़ी बूटियों से आपको और उबार रहे हैं, पंचकर्म षटकर्मा यहाँ पर करवाते हैं आपको, पंच महाभूत चिकित्सा कराते हैं, जल नीति सूत्र नीति त्रिफला से आयवास गंडू से संख प्रक्षारण कॉलोन थेरापी से यात्रा शुरू होती है, फिर सिरोधारा अक्षि तर्पण कर्ण कोण नस्य अभ्यंग सैकड़ों प्रकार की बाह्य आंतरिक बस्ती आपको कराते हैं, सैकड़ों प्रकार से रक्त मोक्षण वात मोक्षण सैकड़ों प्रकार से वात मोक्षण रक्त मोक्षण एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर मर्म चिकित्सा नाड़ी चिकित्सा नाड़ी तंत्र विज्ञान से योग तंत्र बड़ा गहरा है, इसमें एक एक बालक ओहो जो हमने आपकी सेवा में लगा रखी है, योग ग्राम निरामयम में पतंजलि वेलनेस में आपके पीछे प्रत्यक्ष रूप से यहाँ करीब 5,000 भाई बहन का सेवा करते हैं थेरापिस्टों के द्वारा, और एक एक बालक की अप्रतिम प्रतिभा है, एक एक बालक कोई अग्निकर्मा करने में लगा, कोई पंचकर्मा कोई षटकर्मा में लगा, अपने अपने अभ्यास करो सब, कोई रुकेंगे नहीं, सिद्धकोणासन करो, चक्की आसन करो, पश्चिमोत्तानासन करो, पश्चिमोत्तानासन करो जी महात्मा जी आर्य देव जी, ये पूज्य सन्यासी मेरी अनुपस्थिति में आपको मेरे ही प्रतिरूप हो करके, किसी भी सन्यासी को देखो तो मात्र वस्त्र नहीं देखना, सन्यासी में अपने ऋषियों का चरित्र देखा करो, अपने गुरु परंपरा ऋषि परंपरा का सनातन परंपरा का दर्शन किया करो, ऐसे हमने अपने सन्यासी भाई बहनों को अपने इन सन्यासियों को पूजा श्रद्धा में ब्रह्मवादिनी सन्यासिनी सातवीं बेटियों को हमने ऐसी तैयार की, आपको ये प्रतिदिन करा दी, और ये करते कराते आपको उभारते वही आदत पड़ गई, तो मैंने कहा प्रभु मिलन का चाव होना चाहिए, आदत पड़ गई वो करी वो करे, बोला गुरु भवन आप कभी उबते क्यों, अच्छा मैंने ध्यान ही नहीं दिया था इससे पहले, मुझे लगभग 50 वर्ष हो गए योग करते करते, एक बार मुझे उबासी नहीं आई, एक बार मुझे प्रमाद नहीं आया, एक बार मुझे नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूं, बल्कि मेरे एक परम मित्र ने पूछा आप उठते नहीं हो ये योग करते करते, आओ ना
घूमने चलते जंगल में पहाड़ों में। मैंने कहा मेरा तो योग में ही सारा भ्रमण हो जाता है, बारह ब्रह्मांड घूम लेता हूँ मैं योग करते करते, और घूम भी चुका हूँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। पूर्व में चाइना से लेकर के और ऑस्ट्रेलिया तक, पश्चिम में यूके यूएसए अफ्रीका कनाडा और पूरा यूरोप और मिडिल ईस्ट सब, और फिर ये मिडिल ईस्ट क्या है दुबई अबू धाबी, योग करते करते सारा ब्रह्मांड मैंने घूम लिया और एक जगह भी मेरी जाने की घूमने की इच्छा नहीं है। आत्म तृप्त रहता हूँ, आत्मरति रहता हूँ, आत्म काम रहता हूँ, ऐसा ही जीवन। आत्मरतिरेवा आत्मतृप्तस्यमानवा, ऐसे रहो। जब देखो घर में मन नहीं लग रहा, बिजनेस में मन नहीं लग रहा, खेती बाड़ी में मन नहीं लग रहा, परिवार में मन नहीं लग रहा, हर समय उचाट सा हो रखा। मेरे ऊपर कुछ मेरा चित्त उच्चाटन क्रिया उच्चाटन क्रिया, मेरे पीछे किसी ने भूत प्रेत शनि केतु राहु लगा, धम्मी गया था मेरे को मिला था भोपाल, दोष दूसरे ऊपर वास्तु दोष हो गया, काल सप दोष हो गया, शनि केतु राहु भूत प्रेत का न जाने क्या क्या फालतू की चीजें लेकर के घूमते, करवाऊंगा नहीं वो फिर आगा। अब ये सारी चीजों से भी मुक्त करने के लिए अब एक नया प्रोटोकॉल हमने चालू किया है, किसी पर कोई सूक्ष्म दोष, सूक्ष्म शक्तियों का भी कोई दोष हो एनर्जी के, दरअसल कुछ लेवल गड़बड़ हो जाते हैं, उसके लिए हमने एक तो यज्ञ करवा दिया है, जो यज्ञ करता है और यज्ञ के भस्म का जो पानी पीता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार के कोई अज्ञात दोष नहीं होते, ये एक बड़ी बात बताती मैंने आपको संक्षेप में। इसलिए अभी हमने नया कार्यक्रम शुरू किया है, यहाँ आते हैं तो आते ही रुद्राक्ष की माला के प्रसाद के साथ, तिलक के साथ, यज्ञ की भस्म का तिलक सारी नजर उतार देते हैं आते ही। दो दिन से सोच रहा था तिलक किसका करे, तो वैभव देव जी महाराज यज्ञ की भस्म का तिलक होगा, सब काला टीका लगा दो किसी को नजर नहीं लगे, कोई कहते थे हमको कोई नजर, अच्छा यूं नजर लगे तो बुरे लोग तो मुझ पर रोज नजर गाड़े बैठे हैं, ये तो मैं यज्ञ की उपासना करता हूँ इसलिए दुनिया की बुरी नजर का किसी का असर ही। ये तो आधे ही दिमाग में बात आई, कुछ लोग सुबह उठते सोचते हैं वीर रामदेव फिर आ गया था हटता हुआ, तो हम छोटे बच्चे थे तब हम ट्रकों के पीछे लिखा रहता था, हम हमारे गांव में ट्रक था नहीं, क्योंकि तो इंटीरियर में गाँव अभी तक भी आपको ट्रक नहीं जाता, बस नहीं जाती, गाड़ी नहीं जाती, तो स्कूल में जहाँ पढ़ने आते थे वहां फिर ट्रक के पीछे रहते, बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला। ये 85 साल से चल रहा है कार्यक्रम, जो यज्ञ करता है और यज्ञ की भस्म माथे पर लगा लेता है वो स्वयं महाकाल हो जाता है, ये हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा सूत्र है, यज्ञ की भस्म लगाना चूल्हे की भस्म लगाने से कोई फायदा नहीं, कभी ऐसे ही राख ले लो और मुंह पे पोत लो, भस्मा चलो गोमुखासन करो, भस्म का पानी दिन भर पिलाएंगे। अभी तो एक भजन सुना रहे थे बहुत देर से टुकुर टुकुर कर रहा है हमारा हरी, चलो गोमुखासन करो, गोमुखासन भी करेंगे, अर्धमत चंद्रासन वक्रासन भी करेंगे और पूरी प्रक्रिया कराओ, आपको मुझे आज ही पूरा योगी बना देना, मैं तो हर दिन ऐसी सेवा करता हूँ कल हो या ना हो,
कल हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई कसर नहीं छोड़ी। आज ही पूरा बुरा जो हम बता रहे हैं, बस इस पर चलना और सबको चलाना, ये योग की राह है, वेद की राह, ऋषियों की राह है। योग यज्ञ के पथ पर जो चलेंगे तो उनके जीवन में कोई रोग शोक दुख दारिद्र कैसे हो सकता। जोगन बन जाऊंगी आज, जोगन बन जाऊंगी मारे मिलन के काज, आज जो गण बन जाऊंगी तुम्हारे प्रभु मिलन के काज, आज जो गण बन जाऊंगी, ओ जो गण बन जाऊंगी, आज जो गण बन जाऊंगी, जो गण बन जाऊंगी, आज जो गण बन जाऊंगी तुम्हारे गुरु मिलन के काज, आज जो गण बन जाऊंगी तुम्हारे गुरु मिलन के काज, आज जो गण बन जाऊंगे। अंग भस्म रमाऊंगी हो हार श्रृंगार सभी कुछ सज के, अंग भस्म रमाऊंगी सेली सीधी पहन गले में, सेली सीधी पहन गले में अलग जगाऊं आज जो गण बन जाऊंगे। काशी मथुरा हरिद्वार सब तीर्थ नाऊंगी, काशी मथुरा हरिद्वार सब तीर्थ नाऊंगी, जाए हिमालय करूं तपस्या, जाए हिमालय करूं तपस्या, तन को सुखाऊंगी ओ भारे प्रभु मिलने के काज, आज जो गण बन जाऊंगी ओ भारे गुरु मिलने के काज, आज जो गण बन जाऊंगे। ऋषि मुनि के आश्रम जाके खोज लगाऊंगी हो, ऋषि मुनि के आश्रम जाके खोज लगाऊंगी, अंदर बाहर सब जग ढूंढूं, अंदर बाहर सब जग ढूंढूं, नहीं अटकाऊंगी हो मारे काज, आज जो गण बन जाऊंगे मारे प्रभु मिलन के काज, आज जो गण बन जाऊंगे। निश दिन उनका ध्यान लगा के दर्शन पाऊंगी, निश दिन उनका ध्यान लगा दर्शन पाऊंगी, ओ मीरा कहे उन्हें घर ला कर, मीरा कहे उन्हें घर ला कर, हो मीरा कहे उन्हें घर।
घर लाकर दर्शन पाऊंगी मार प्रभु मिलन के द्वार आज तो गढ़ बन जाऊंगी ओ मार प्रभु मिलन के द्वार आज तो गढ़ बन जाऊंगी ओ जो गढ़ बन जाऊंगी आज तो हमने पिछले 3 सालों में सैकड़ों परिवर्तन किए छोटे छोटे और आपको आरोग्य देने के लिए सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 7 बजे हम विविध दिशाओं से पुरुषार्थ करते हैं आपको रोगों से उभारना तो एक छोटी सी घटना है आपको जीवन के सारे विकट संकटों से सारे भोगों से रोगों से विकारों से विषय वासनाओं से सबसे उभारना मैं बार बार कहता हूँ रोगों को मिटाना तो एक बहाना है तुम्हें सब भव बंधनों से बचाना है जीते जी तुम्हें रोग मुक्ति के साथ जीवन मुक्ति का जीवन के निर्माण का पूर्णता का आनंद देना है ऐसे मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और उल्टे लेट जाओ देखो उल्टे लेटो सामान्य गति योग की एक एक क्रिया की एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से विधान से उस प्रोटोकॉल से योग करना कुछ ऐसे ही अनमने मन से योग करते बंद के साथ पत्रिका के मूलाधार से सहस्रार तक अंत शक्तियों के आरोप योग योग यज्ञ भजन कीर्तन प्रार्थना पूर्ण हृदय के साथ भक्ति पूर्ण हृदय के साथ जो मैंने कहा योग करते करते पसीना बहाओ
गुरु भगवान की शरणागति में आओ। अब ये भुजंग आसन से पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस हो जाता है। बैलेंस बनाओ, फिजिकल मेंटल इमोशनल बैलेंस बनाओ। योग में यज्ञ में आयुर्वेद में पंचकर्म षटकर्म अग्निकर्म पंच महाभूत चिकित्सा ये सनातन जीवन शैली के समग्र सत्यों को अपनाओ। इंटीग्रेटेड हेल्थ सस्टेनेबल हेल्थ नॉट ओनली फिजिकल फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल हेल्थ पाओ। ये धीरे धीरे नहीं बनेगी। यहां से शुरू करो। लंबे लंबे श्वास भरो रे भार कर लो ऐसे धीरे धीरे। और जो मजबूत है वे 100-200 बार करना। और थोड़े मजबूत हैं तो पैर भी उठा लिए और रिदम के साथ ऐसे और थोड़े मजबूत हैं ऐसे करो। ये दंड बैठक लगा। हम तो 500 बार वाले अभी भी कर रहे हैं करा रहे हैं। करते रहो कराते रहो तपाते रहो अपने आप को। सब करेंगे भुजंगा। चाहे धीरे कर लो धीरे ऐसे होगा। श्वास भरा और ऊपर ऐसे देखा भगवान भास्कर के उदय के साथ आपका भाग्य उदय आपकी दिव्य जीवन की उदय उन्नयन ऊर्ध आरोहण के साथ आपको योग कराते हैं। करते रहो। थक जाओ बीच में तो मकरासन जिनसे कुछ भी ना हो धीरे धीरे। एक मिनट में 2-4-5 बार और एक मिनट में 50 बार। एक मिनट में 5 बार एक मिनट में 50 बार तक कर। आपके जीवन में रोग नहीं रहे। जो हमने पूरी प्रक्रिया अपनाई है योग की यज्ञ की आयुर्वेद की नेचुरोपैथी की पंचकर्मा षटकर्मा अग्निकर्मा पंचमहाभूत चिकित्सा मेडिकेटेड वाटर मेडिकेटेड फूड और उसमें जैसे हम मेडिकेटेड वाटर में करीब 12 तरह का आपको जल दे रहे थे। अब हमने एक बात और तय की। या जितने भी भाई बहन आ रहे हैं योगग्राम निरामय में पतंजलि वेलनेस में अब पतंजलि वेलनेस एक सर्वांगीण समग्र स्वास्थ्य का इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल हेल्थ का नॉट ओनली फिजिकल फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल हेल्थ का दिव्य आध्यात्मिक जीवन जीने का सनातन जीवन पद्धति का एक बहुत बड़ा प्रतिमान बन गया बहुत बड़ी प्रेरणा। अब इसमें हमने तय किया है कि अब जो भी यहाँ भाई बहन आएंगे वो सादा पानी पिएंगे। आपको यहाँ अब दो तरह का जल और उपलब्ध करा रहे हैं। यह तो अग्निहोत्र पे यज्ञ का जल या गंगा जल इन दोनों की व्यवस्था 2 दिन में पूरी कर दे रहे हैं।
आपको दूसरा जल, ये तो सब घर में पी रहे थे ना, जो घर में कर रहे थे उससे यार पूरा मामला अलग है। सुबह शाम दो बार गंगा जल या यज्ञ की भस्म का जल, उसको एल्कलाइन वाटर बोलते हैं, यज्ञ की भस्म से सेकंडों में पूरा पानी उसमें एक अलग प्रकार, ये जो कुछ मशीनें बनी है ना इससे तो थोड़ी सी चीजें माप पाते हैं, पूरा जल उसका पीएच वैल्यू 10 से ऊपर चला जाता है। कितने 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर यज्ञ की भस्म पानी में डालते हैं तो 10 से ऊपर पीएच वैल्यू चला जाता है, उसके कुछ ऊर्जा तरंगे जो अभी उसे मापी नहीं जाते। यज्ञ का जल, गंगा जल करो, इसी से आपको पिलाएंगे, और जिनको बहुत भयंकर रोग है चमड़ी करते रहिए, रुकना नहीं है, उनको यज्ञ की भस्म का लेप भी लगाते हैं। और आपने ये पाया है ऐसे पूरे के पूरे हमारे पास में लाइव एग्जाम्पल कि जिनको हमने यज्ञ की भस्म का लेप लगाया, यज्ञ की भस्म का पानी पीने से बीमारियां कौन कौन सी ठीक होती है, एक तो माताओं बहनों को मानसिक धर्म की सारी प्रॉब्लम का, यज्ञ का भस्म का पानी पीने से जो अज्ञात रोग हैं, अज्ञात दुख है, अनिर्दिष्ट अवक्त, आपको पता ही नहीं उसका हेतु क्या है, प्रारब्ध दोष बोलो, ये ऊर्जा दोष है, ऊर्जा दोषों को ही लोग शनि केतु राहु भूत प्रेत और तमाम तरह की नेगेटिव एनर्जी महिमा मंडित करते रहते हैं, कहते प्रारब्ध दोष है कुछ पता नहीं लग रहा, यज्ञ करने से और यज्ञ की भस्म का पानी पीने से, यज्ञ का तिलक लगाने से जीवन की सारी अनहोनी टल जाती, अनहोनी क्या तुमने वो जंगा था, ये तो धीरे वाला था, शाम तो थोड़ा पानी पीते ना, वो आप सादा पानी पी लेते, अब सादा पानी पीने की यहाँ मनाही होगी, अभी तो इन तत्काल तो बहुत हाई क्वालिटी की प्लास्टिक में आपको जल देंगे, प्लास्टिक की बोतल जिसको रिफिल कर सकते हो, बहुत हाई क्वालिटी, और उसको धूप में नहीं रखना, कमरे में ही रखना, इसलिए उसमें कोई किसी भी प्रकार का पूरा संश्लेषण नहीं होगा, बाद में आपको भूर भूमस्व तत्सुतुर्वरे भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। लंबे लंबे श्वासों के साथ त्र्यम्बकं यजामहि घड़े में गंगा जल और यज्ञ जल आपको सुबह शाम वही पानी, क्योंकि सुबह सुबह मेडिकेटेड वाटर पीने में किसी किसी का मन नहीं करता, उसका टेस्ट थोड़ा अजीब।